हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल डिजिटल हेल्पलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते होंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा स्मृति, यानी कि हमारी मेमोरी। देखिए, अब तक मैंने आपको करवाया है चिंतन। चिंतन के बाद अब हमारे क्या होती है, कुछ बातें हमें याद रहती हैं, कुछ को हम भूल जाते हैं। कोई बात जो होती है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, कुछ थोड़े से टाइम के लिए याद रहती है। तो इसी के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी। इसको किसके अंदर रखा जाता है, स्मृति यानी मेमोरी, याददाश्त। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन जर्मन के जो मनोवैज्ञानिक थे हरमन एबिंगहास, उन्होंने 1885 में किया गया था। सर्वप्रथम जो अध्ययन है हमारा, जो स्टडी है, वो कब की गई थी, 1885 में, और किसके द्वारा, हरमन एबिंगहास। फिर हमारा वुडवर्थ जी के द्वारा क्या बोला गया है स्मृति को, सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना स्मृति कहलाता है। देखिए, कोई बात होती है उसको हमें काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्मृति। फिर है एटकिसन। एटकिसन ने क्या बोला है, 1968 में इन्होंने स्मृति को प्रथम अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने एक मॉडल दिया था, उसी को मॉडल कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारी स्मृति होती है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारे पास है संवेदी या तात्कालिक स्मृति, इसको हम बोलते हैं सेंसोरी या इमीडिएट मेमोरी। संवेदी सेंसिटिव या सेंसोरी बोल सकते हैं आप इसको, तत्कालीन इमीडिएट मेमोरी। इस स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को एक सेकंड के लिए रख पाता है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि तात्कालीन उसी टाइम पे या इमीडिएट थोड़े बिल्कुल कम से कम समय के लिए, यानी एक सेकंड इसका टाइम पीरियड क्या है, एक सेकंड। फिर अल्पकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें क्या है, विलियम जेम्स जी ने इसे प्राथमिक स्मृति भी कहा है कि जो पहले हम देखते हैं वही चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक बनी रहती है। इसे सक्रिय स्मृति यानी एक्टिव मेमोरी या फिर लघुकालीन संचयन भी कहा जाता है कि थोड़े टाइम के लिए इकट्ठा रहना, थोड़े समय के लिए इकट्ठी रहते। देखिए, ये हमारे पास जो थी वो एक सेकेंड के लिए सेंसोरी इमीडिएट वाली, और ये हमारे पास शॉर्ट टर्म वाली थोड़े समय के लिए इकट्ठी रहती है हमारे माइंड के अंदर, और इसे सक्रिय स्मृति बोलते हैं। फिर है हमारा, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो हमारा आधा मिनट तक है, या फिर इसको आप 20-30 सेकेंड भी बोल सकते हैं। फिर है हमारी थर्ड, दीर्घकालीन स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके अंदर जो है हमारी स्मृति मेमोरी, विलियम जेम्स जी ने इस स्मृति को गौण स्मृति भी कहा है। कम से कम 30 सेकंड तथा अधिक से अधिक कितने भी दिनों तक याद रख सकता है, यानी कि जो हमारे माइंड में छप जाता है वो कितने भी समय के लिए रह सकता है, इसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं अवधारणाएँ, कुछ संकल्पना, मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। जो कॉन्सेप्ट जो मैपिंग थी उसके प्रवर्तक कौन थे, उसके प्रवर्तक थे जोसेफ डी नोवक। कॉन्सेप्ट मैपिंग के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, वो थे जोसेफ डी नोवक। कॉर्नेल ने जो विश्वविद्यालय था उसमें 1970 में इसे प्रस्तुत किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि जो बालक है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अधिगम करता है। देखिए, कोई भी जो हमारा पुरानी जो ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान जो पहले से हमारी मेमोरी में होता है, उसी के बेस पे नया जो है उससे जोड़ करके, उसको एक से दूसरे को रिलेट करके बच्चा सीखता है। फिर है इसमें विषय वस्तु की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक आसानी से अधिग्रहण प्राप्त करता है। इसमें जो विषय वस्तु होती है हमारी, जो बुक्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिसमें बालक आसानी से, यानी बालक को सीखने में मदद मिले उसके लिए एक एसोसरी, या आप इसको सहचर्य भी बोल सकते हैं। तो पूर्व ज्ञान से बच्चा सीखता है नया ज्ञान, और उसके में हेल्प जो करता है वो कौन है, हमारी विषय वस्तु। ये किसके द्वारा, जोसेफ डी नोवक जी के द्वारा बताया गया था। इससे हम कॉन्सेप्ट मैपिंग में देखते हैं। फिर हमारी
जो दीर्घकालीन स्मृति जो होती है उसी के देखिए मैं आपको टाइप्स बताती हूँ। घोषणात्मक स्मृति, अघोषणात्मक स्मृति, क्षणदीप स्मृति, जीवन चरित स्मृति, निहित स्मृति। ये जो पांच टाइप्स हैं दीर्घकालीन स्मृति की साइकोलॉजिस्ट ने पांच भागों में भी डिवाइड किया है। पहले हमने तीन टाइप्स की थी, अगर आप इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो ये कम ही पूछा जाता है सीटेट में। फिर आगे हम देखते हैं कि जो घोषणात्मक जो हमारी स्मृति होती है वो क्या करती है। घोषणात्मक जो स्मृति है उसके दौरान हम किसी भी तथ्य को, किसी के नाम को या तारीखों को संबंधित जो जानकारी होती है उसको हम बोलते हैं घोषणात्मक स्मृति। इसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जैसे इसमें हमारी क्या है, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए आप, कि अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमें हमेशा याद रहती है, हमारे जो रिलेटिव हैं उनको भी याद रहती है, या फिर कोई हमारी मैरिज की जो एनिवर्सरी आती है हमारी वो भी सभी को याद रहती है। कोई जो घटना होती है, कोई तथ्य जो होता है जिससे कुछ याददाश्त बन जाती है, उस याद को हमें कंटिन्यू याद रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, घोषणात्मक स्मृति। जैसे 26 जनवरी है, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, या फिर हमारा 15 अगस्त है, 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जितने भी हमारे जो दिन होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, हमारी घोषणात्मक स्मृति में। जैसे पर्यावरण दिवस, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे दिवस मनाए जाते हैं। फिर है टुलविंग ने घोषणात्मक स्मृति के दो प्रकार बताए हैं। ये किसने बताए हैं, टुलविंग ने बताए हैं। घटनात्मक स्मृति जीवन के व्यक्तिगत अनुभव, यानी कि जीवन का जो मनुष्य का खुद का जो अनुभव होता है उसी बेस पे जो होता है उसे हम घटनात्मक। विषय वस्तु की प्रकृति भावनात्मक है। जब आपकी नौकरी लगेगी तो कैसा महसूस होगा, जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने, ये एग्जाम्पल है हमारा कि जब आपको नौकरी मिलती है तो आपको कितना अच्छा लगता है, वो आपको हमेशा याद रहती है। देखिए हम ड्यूटी कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग का दिन हमारा पहला जो दिन होता है वो हमें